हिंदू शास्त्र में देखा जाता है पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व रहता है। हर पूजा में, हर शुभ कार्य में कलावा जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, इसका अत्यधिक महत्व रहता है। कलावा कई प्रकार के रहते हैं, कई कलर के रहते हैं। यह कलावा धारण करने का तो ऐसा कोई दिन विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसे नियम है कि कलावा को मंगलवार या शनिवार को ही बदलना चाहिए। इससे सुख समृद्धि आती है, किसी भी दिन कलावा नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना में आवश्यकता अनुसार कलावा खोले वो तो जरूरी होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से कलावा मंगलवार शनिवार को। आइए उचित पंडित से जानते हैं और कलावा के आगे नियम। कलावा यानी रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र सभी प्रकार की बाधाओं से हमारी रक्षा करता है। देवी के लिए पीला कलावा और हनुमान जी तथा अन्य देवताओं के लिए लाल कलावा या पचरंगी नाड़े का प्रयोग किया जाता है। नाड़ा यानी कलावा हमारी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। कलावा किसी भी दिन पूजन पाठ में हम धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको खोलने के लिए शनिवार तथा मंगलवार को ही चयन किया गया है। इसलिए इसको किसी को भी खोलना है तो यह शनिवार और मंगलवार देख करके ही इसे खोलना चाहिए। कलावा बांधते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, येन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेनस्त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेस्वमाचल माचला, और कलावा बांधने के बाद में सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा होती है। कलावा हमारे जीवन में जैसे शमी पत्र है, बिल्व पत्र है और आंवले का पेड़ है, केले का पेड़ है, यदि श्रद्धा से विश्वास से इन पेड़ों पर भी यदि कलावा बांधा जावे और हमारी जो समस्याएं हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना की जाए कि ये दूर हो जाए, तो वो समस्याएं भी हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। कलावा हमारी सभी प्रकार से रक्षा करता है।